स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 2024 में तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? ए तापिर गाओ, बी किरेन रिजिजू, सी पेमा खांडू, डी नबाम तुकी। आंसर सी पेमा खांडू। एक्सप्लेनेशन: भाजपा नेता पेमा खांडू को अरुणाचल प्रदेश में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में फिर से चुना गया। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। वह 13 जून 2024 को अपने मंत्रिमंडल के साथ पद की शपथ लिया। वह 2016 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां के लिए रवाना हुए? ए जापान, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी इटली। आंसर डी इटली। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए 13 जून को इटली रवाना हो गए। ये प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा है। पीएम 14 जून को आउटरीच सत्र में भाग लेंगे, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर केंद्रित होगा। वह इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी G7 से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात कर सकते हैं। इटली में 13 से 15 जून तक आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में चल रहे युद्ध और गाजा में संघर्ष का मुद्दा छाए रहने की उम्मीद है। अगला प्रश्न। तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनए से किसे नियुक्त किया गया? ए प्रमोद कुमार मिश्रा, बी अजीत डोभाल, सी अमित खरे, डी तरुण कपूर। आंसर बी अजीत डोभाल। एक्सप्लेनेशन: अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनए से नियुक्त किया गया है। अजीत डोभाल को पहली बार 20 मई 2014 को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। तब से डोभाल ही इस पद को संभाल रहे हैं। 1968 बैच के IPS अधिकारी अजीत डोभाल को कूटनीतिक सोच और काउंटर टेररिज्म का विशेषज्ञ माना जाता है। उधर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये जिम्मेदारी प्रमोद कुमार मिश्रा ही संभालते रहेंगे। अगला प्रश्न। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए 123, बी 125, सी 129, डी 130। आंसर सी 129। एक्सप्लेनेशन: विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 रिपोर्ट पेश की है। पिछले साल की तुलना में भारत इस साल 2 स्थान नीचे खिसकर 129वें स्थान पर आ गया है। पिछले एक दशक से पहले स्थान पर रहने वाला आइसलैंड ने इस साल भी अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत से पहले बांग्लादेश 99, नेपाल 111, श्रीलंका 125 और भूटान 124 का स्थान है। वहीं पाकिस्तान 145वें स्थान पर है। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? ए प्रोफेसर देवेंद्र लाल, बी सी वी रमन, सी सत्येंद्र नाथ बोस, डी विक्रम साराभाई। आंसर ए प्रोफेसर देवेंद्र लाल। एक्सप्लेनेशन: हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने मंगल ग्रह पर थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर स्थित 3 नए क्रेटरों को भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखे हैं। सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रसिद्ध कॉस्मिक रे भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर स्वर्गीय देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। वहीं मुरसान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर से लिया गया है, जबकि हिलसा क्रेटर का नाम भारत के बिहार के हिलसा शहर के नाम पर रखा गया है।